आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार होगी और इसमें हम बिल्कुल भी कंडेंस मिल्क का यूज नहीं करने वाले हैं। ये बस चार इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार होने वाली आइसक्रीम है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे। 1 कप हमें शक्कर डालनी है। उसके बाद हम इसमें आधा कप कोको पाउडर डालेंगे और 2 कप हम इसमें मिल्क डालेंगे, नॉर्मल मिल्क डालना है हमें। उसके बाद हमें इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। यदि इसमें लम्स बन जाते हैं तो आप छन्नी की मदद से इसको छान लीजिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें बिल्कुल ऐसा इसको मिक्स करके तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें इसको गैस पे रखना है, गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसको कंटिन्यूस हमें हिलाते रहना है, नहीं तो ये कोको पाउडर नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। इसलिए हमें इसको ऐसे हिलाते हुए पका लेना है। इसको हमें एकदम गाढ़ा बनाना है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। उसके बाद हम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा मिल्क, उसके बाद ही हमें इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। आप देख सकते हैं ये मिल्क हमारा कोको पाउडर के साथ अच्छे से ठीक होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। आप देख सकते हैं चॉकलेट का बेस हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हमें ऐसे बना लेना है। अब इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमें एकदम ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं इतना गर्म है, हमें इसको बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए उतना ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको हमें विस्क की मदद से स्टिप पे काए तब तक अच्छे से इसको विस्क कर लेना है या बीट कर लेना है। इसको एक ही स्पीड पे हमें बीट करना है जिससे कि क्रीम अच्छे से स्टिप पिक पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं क्रीम हमारी थिक हो चुकी है। हमें इसको इतना स्टिप पिक पे लाना है या थिक करना है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने चॉकलेट का बेस बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा हुआ और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, एकदम थिक ऐसा हमें चाहिए। इसको हमें अच्छे से दोबारा से हिला के हम इसको क्रीम में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने क्रीम में डाल दिया है। इसको हमें दोबारा से बिस्क की मदद से या बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हैं ये अच्छे से विस्क हो चुका है। इसको हमें ऐसे करके तैयार कर लेना है। अब देख सकते हैं एकदम क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर आया है। हमें बिल्कुल चॉकलेट आइसक्रीम के लिए ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब हम एक कंटेनर लेंगे और इसको हम इसमें डाल देंगे। जो कंटेनर फ्रीजर में जा सके वैसा हमें कंटेनर लेना है। सारी मैंने आइसक्रीम के बेस को इसमें डाल दिया है। अब ऊपर से हम क्लिंग रैप रख के आइसक्रीम के बेस के साथ टच हो वैसे हमें क्लिंग रैप को करना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। कुछ 6 से 7 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रखना है। 6 से 7 घंटे बाद आप देखेंगे हमारी आइसक्रीम अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्रिज हो चुकी है, अच्छे से जम चुकी है। अब इसको हम स्कूप की मदद से आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्कूप हो जा रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही आइसक्रीम चाहिए। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर से चोको चिप्स को भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आपको इसका टेक्सचर भी बताती हूँ, बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट आया है।
आप इस रेसिपी को जरूर से बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।